हरे कृष्णा। तो श्री राधा महिमामृत भाग दो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री श्री राधा की देवी माधव भगवान श्री राधा माधव अष्टमाय सखी श्री प्रहलाद निष्ठ देव श्री गिरिराज जी श्री ताय मायापुर चंद्र देव को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए और हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य नित्ल प्रजंग विष्णुपाद परमंस परिवर्धक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमात अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति विदन स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के चरणों में विनीत प्रणति निवेदन करके परम पूज्य गुरु महाराज श्री प्रभुपाद के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा की याचना करते हुए हम लोग आज के पर्व में आगे बढ़ेंगे। गंगरोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुं नतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं हरे कृष्णा। तो राधा रानी का महिमा मैंने पहले भी श्री गोपी गीत लेक्चर में और श्री ललित माधव जो सीरीज था उसमें मैंने वर्णन किया है और राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो दिव्य लीलाएं हैं कल हम लोगों ने सुना था कि कैसे श्रीमती राधा रानी श्री भगवान की प्रेयसी नहीं है, साधारण प्रेयसी रूप में उसको वर्णन कहीं नहीं किया गया है। जलादिनी शक्ति महा जलादिनी स्वरूप महाशक्ति नर्द पंचरत्न के अनुसार वे महाशक्ति है लादिनी स्वरूपा और भगवान के अंतरंग जो आनंददायिनी लादिनी है वही मूर्त रूप में राधा रानी के रूप धारण करते हैं। तो राधा भगवान कृष्ण रास मंडल में अकेले थे और एकाकी सान रम्य थे। भगवान कृष्ण अकेले रमण नहीं कर सकते, उनका बायांग फर्क नहीं लगा उससे अद्भुत सुंदर तेजमय देवी प्रकट हुई और देवी प्रकट हुई रास मंडल में और धाविता हुई तुरंत गोलोक वृंदावन धाम के दिव्य पुष्पों को चयन करके भगवान के चरणों में डालने के लिए। तो नाम पड़ा रास मंडल वाचक है रा और धाविता पुष्प चयन के लिए तो उसका नाम हुआ धा तो राधा। एक और उनका नाम का अर्थ ये है कि अनुराधा नक्षत्र में भौम वृंदावन लीला में उनका जन्म हुआ था तो नाम पड़ा राधा। फिर कल हमने सुना कि अनराधिता नूनंग के आराधिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है तो नाम पड़ा राधा। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न और मूल प्रकृति स्वरूपा श्री राधिका ये प्रकृति प्रसत्वगुण वाचक्री रजगुण वाचक अति तमोगुण वाचक प्रकृति जो उनके छाया स्वरूप है त्रिगुणात्मिका संचार शक्ति मूल प्रकृति जो है जोगमाया शक्ति के मूल आधार स्वरूप शक्ति वो है श्रीमती राधिका या राधा रानी पूर्ण शक्ति भगवान की। तो सभी संतगण उनके कृपा कटाक्ष पाने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने जामल में स्तवराज श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का वर्णन किया जहाँ पे उन्होंने श्रीमती राधा रानी का रूप लावण्य उनका गुण महिमा उनके चरणों का जो रूप ध्यान है इत्यादि बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ये श्लोक जो ये जो स्तवराज है ये ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है। राधा कुंड के आसपास जितने भी आश्रमवासी है सब लोग ये स्तोत्र पूरा कंठस्थ है। तो राधाष्टमी में अवश्य ही ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र
ये वैष्णव तोषिणी बुक में भी दिया गया है और आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप लोग अवश्य पाठ कीजिएगा। ये पाठ करने से अवश्य ही राधारानी का कृपा कटाक्ष आपके ऊपर हो जाएगा और वही एकमात्र संबल है। देखिए राधा रानी का तोता सुखदेव गोस्वामी, वी बना परम आचार्य, सब आचार्यों में परम आचार्य, और भागवत जैसा अमृत दान किया, भगवान का बाकमय स्वरूप उनके मुंह से पहली बार सुनाया गया। वे परमहंसों में महान परमहंस थे, इसीलिए परीक्षित ने उनको ही उनसे सुनने के लिए ही आग्रह किया। वो परमहंस सब रसी का भूमि भावु का, ऐसे परमहंस रसिकों की भी आराध्या है राधा रानी। तो आज हम लोग जन्म वृत्तांत सुनेंगे। जो लोग वृंदावन में हम लोग के साथ यात्रा में गए थे उन लोगों को याद होगा कि हम लोग रावल गए थे। ये रावल जो स्थान है ये राधा रानी का जन्म स्थान, यानी जहाँ पे राधा रानी को पाया गया था जन्म स्थान। राधा रानी तो अजन्म है, वो तो किसी माता पिता के औरत से जन्म ग्रहण नहीं किया। ललित माधव में जन्म वृत्तांत आता है और पुराणों में भी आता है, थोड़ा थोड़ा भेद है, कल्प भेद में लीलाएं होती, लेकिन जो श्री ललित माधव में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है उसके अनुसार जो जन्म वृत्तांत सुनाया गया है वो ऐसा है कि एक बार विंध्याचल पर्वत इनको बहुत ईर्ष्या हुआ, ईर्ष्या इन द सेंस कि वे बहुत दुखी थे कि देखो पर्वतराज हिमालय हिमवान का जामाता कौन बना है, भगवान शंकर योगियों में सर्वश्रेष्ठ, पार्वती ऐसे भगवती दुर्गा उनके कम जन्म ग्रहण की और माता गंगा जन्म ग्रहण किया और ऐसे महिमा मंडित होकर हिमवान का क्या शोभा, क्या उसका महिमा का गुणगान होता है। तो उन्होंने ब्रह्मा का उपासना किया विंध्याचल पर्वत ने, और तो विंध्याचल पर्वत जब सिद्ध हुए ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा से वर मांगा कि तीनों जगत की जो स्वामिनी है, जो पार्वती लक्ष्मी सब लोगों की स्वामिनी है, मैं उसको पुत्र रूप में लाभ करूं ताकि उस स्वामिनी को वरने के लिए त्रिभुवनपति त्रैलोक्यपति गोलोकेश्वर भगवान कृष्ण आए और विवाह करें, तो मैं भी हिमवान जैसा मेरा भी रुतबा हो जाएगा, मेरा भी बहुत महिमा लोक प्रचार होगा। तो ब्रह्मा ने तथास्तु का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ब्रह्मा को भी पता नहीं था कि ऐसा पूर्ण शक्तिमय देवी कौन है। तो वे नारायण के पास गए, नारायण ने उनको गोलोक वृंदावन धाम में भेजा और तब वे भगवान कृष्ण के पास गए और प्रार्थना किया कि मैंने ऐसा ऐसा वर दिया है। राधा रानी को बोला कि हे गोलोकेश्वरी, आप ही संपूर्ण भगवान की संपूर्ण शक्ति का प्रकाश है, मैं वर दे के आया हूँ, कृपा करके आप मेरे वर के मान का रक्षा कीजिएगा। राधा रानी का ठीक है तथास्तु, तुम चिंता मत करो, मैं द्वैत रूप में रूप परिग्रह करूंगी। और इतने में बहुत कुछ घटना भी होती है गोलोक वृंदावन धाम में। राधा रानी और श्रीराम सखा एक दूसरे को श्राप देते हैं, तो ऐसे करके भगवान गोलोक वृंदावन धाम छोड़कर आने का समय हो गया था, तो भगवान भी अवतरित होने वाले हैं। तो राधा रानी ये विंध्याचल के घर में द्वैत रूप जन्म ग्रहण की, एक स्वयं रूप में राधिका और उनके ही प्रभा स्वरूप चंद्रावली, ये चंद्रावली ही वैकुंठ में महालक्ष्मी बनती है
और मर्त्य मर्त्य लक्ष्मी बनती हैं। तो चंदावली और दोनों दोनों बच्चियों का जन्म हुआ, विंध्याचल विंध्याचल के घर में प्रकट हुई ये लोग, जन्म ग्रहण माने इंदा प्रकट हो गए ये लोग और बहुत खुश। तो वे यज्ञ करवा रहा है सभी ब्राह्मणों को द्वारा, मंत्र उच्चारण करवा रहे, स्वस्ति वाचन शांति वाचक इत्यादि सब मंत्र गूंज रहे हैं पूरे महल में। तो तब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि कंस ने जितने नवजात शिशु हुए थे उनको मारने के लिए पूतना को बहुत जगह जगह भेजा। तो पूतना इधर भी आई विंध्याचल पर्वत पर और देखा कि दो शिशु नवजात शिशु दिव्य वो भी, तो दोनों को हाथ में उठा के लेके खींच रही थी तो उड़ गई। और तब विंध्याचल पर्वत आए और उन्होंने से ब्राह्मणों से कहा, विंध्य पर्वत के अधिष्ठाता देवता एक्चुअली उनका वो पर्वत के स्वामी हैं, तो वे बोले कि विंध्य बोले कि आप लोग कुछ कीजिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए, खिचड़ी मेरे बच्चे को उठा के ले गई तो आसमान में चली गई बहुत दूर तक। तो ब्राह्मणों ने मंत्र शक्तिपात किया तो खिचड़ी का सारा जो शक्ति है वो क्षीण बल क्षीण होने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, तो उसके हाथ से दो बच्चे छूट गए। तो एक बच्चा तो गिरा भीष्मक महाराष्ट्र में, भीष्मक देश में, भीष्मक राजा के पास। वे सरोवर में गए और देखा कि एक सुंदर सुकोमल पद्म पत्र में शिशु, तो उसको उठा के लेके आए। उनके भी पुत्री की इच्छा थी तो वो पूर्ण चंद्रावली वहां चले गई, यही बाद में जाके रुक्मिणी बनेगी। और एक शिशु जो स्वयं संपूर्ण राधिका शक्ति है, लादिनी शक्ति है, वे यमुना में गिरी और तुरंत यमुना ने सुंदर सुकोमल स्वर्ण कमल पुष्प खिला दिया, उनको धारण किया और वे राधिका ने एक बार सूर्य देव का आशीर्वाद भी दिया था कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ और मेरे ब्रजलीला में आप मेरे पिता बनोगे और आपकी पत्नी मेरी माता कीर्तिदा बनेगी। छाया संज्ञा दोनों का मिलित स्वरूप है कीर्तिदा। तो ये सूर्य अवतार विश्वानु राजा सुबह सुबह यमुना के तट पे रावल स्थान पे एक घाट में गए सुबह का जो नित्य कर्म है वो करने के लिए, स्नान तर्पण इत्यादि करने। जब तर्पण कर ही रहे थे तब ये कमल में, बड़े से कमल में दिव्य ये बालिका उनके हाथ लगी और वे लेके चले आए घर में। ये बालिका के आंख मूंदे हुए थे, आंख नहीं खोला था, लेकिन बहुत तेजमय ये बालिका, इसके दर्शन करने के लिए स्वयं नारद जी भी आए थे और नारद जी ने ये उपाय बताया था कि कैसे ये लड़की आंखों से अंधी नहीं है, इसने आंख मूंद के रखे। तुम नंद के छोड़े को लेके आओ, दर्शन करवाओ, ये लोग नित्य संगी हैं, जैसे नंद छोड़े को देखेगी तो तुरंत ही आँख खोल देगी, क्योंकि राधारानी जब गोलोक वृंदावन धाम से आ रही हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं श्राप कारण अवतारण ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपके अलावा किसी को नहीं देख सकती, पहले आपको ही देखूंगी। तो आंख मूंद लिया था। तो जैसे ही नंद बाबा के घर में, नंद बाबा विश्वानु दोनों मित्र थे, तो एक बार बुलाया तो नंद बाबा अपने नंद नंदन को लेके आए, आनंद घनश्याम को। जैसे ही घनश्याम ने हाथ लगाया राधा रानी को, तुरंत राधा रानी ने आँख खोल दिया, क्योंकि उनका स्पर्श उनको पता था कि कृष्ण है और सबसे पहले उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। जब नारद जी ऐसे स्तुति सवन कर रहे थे राधा रानी के चरणों में आकर उनका बाल स्वरूप दर्शन करके, तब राधा रानी स्वयं प्रकट हुई, अपने गोलोकनाथ धाम में प्रकाशित किया और रत्न मंडित एक सिंहासन में बैठी हुई राधा रानी
और चारों तरफ से सखियाँ उनको सेवा कर रही हैं, चामर व्यंजन कर रही हैं। उन सखियों में से एक सखी ने राधारानी के चरण धोए और वो चरणामृत फेंक के मारा नारद जी को। नारद जी बेहोश होकर प्रेमानंद में मूर्छित हो गए और तब जब उनको होश आया तब उन्होंने प्रणाम किया राधा रानी का और गदगद हो गए। सबसे बड़ा कृपा लाभ हुआ। तो तब उन्होंने नंद विश्वभानु राजा को कहा था कि नंद के जो घर में जो आनंद भय हैं कृष्ण, उनको आप लेके आइए, आपके राधा रानी आपकी जो राधिका हैं श्यामा प्यारी, इनका आँख खुल जाएगा। और जब ये कृपा प्राप्त हुआ चरणामृत का, तभी राधा रानी के जो मूर्त भाव है, जो स्वयं प्रकाश भाव है, वो नारद मुनि को स्पर्श किया, तो ब्रज भक्ति। और नारद मुनि विभोर हो गए और इसलिए नारद मुनि ब्रज में ही घूमते रहे, सब लीला दर्शन करते रहे, ब्रज छोड़ के कहीं गए ही नहीं उस समय के बाद। और इसीलिए ब्रज में आकर उन्होंने भक्ति सूत्र का, उसी प्रेरणा से भक्ति सूत्र का उन्होंने रचना किया और भक्ति सूत्रों में गोपिकाओं की ब्रज भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना। तो ये सत्य बात है कि भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, जो हम लोग भूल गए थे, अगर वो नित्य संबंध सही रूप से उजागर होता है तो राधा रानी की कृपा से ही संभव है। कृष्ण, मैं अन्य अवतारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कृष्ण की बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण को अगर आपका गुणगान करना है तो बिना राधा रानी के कृपा के बिना आप ये कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये असंभव है। राधा रानी की शक्ति से ही हम लोग शक्तिमान भगवान कृष्ण को जान सकते हैं और उनका सेवा कर सकते हैं। राधा रानी हमेशा संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण चेतना से भगवान कृष्ण का सेवा करती हैं, और जो उनका सेवा करने के लिए इच्छा करते हैं उनके प्रति बहुत वे कृपालु हो जाती हैं, बहुत कृपा कुरुमयी हो जाती हैं, उन्हें कृपा दृष्टि प्रदान करती हैं, सेवा का सामर्थ्य प्रदान अगर कोई करता है तो राधा रानी करती है। सेवा जो तो लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है कि भगवान का इच्छा कर, सेवा करने की इच्छा हुआ हम लोग कर दिए ना। ये गुरु के माध्यम से राधा रानी है जो भक्त के हृदय में सेवा करने का सामर्थ्य प्रतिपालित करती है, प्रतिपादित करती है और प्रतिपन्न भी करवाती है। राधा रानी की कृपा की वजह से ही हम लोग भगवान के लिए कुछ सोच पाते हैं, क्योंकि ये चेतना राधा रानी का चेतना का प्रकाश है। धीरे धीरे उनका जो कण है वो हम लोग को मिलता है, कृपा करना। राधा रानी गोलवर्धन धाम में भगवान के लिए नित्य नवायमान माला का निर्माण करती है, पुष्प माला, नित्य नवायमान शैया का निर्माण करती है सखियों के द्वारा, नित्य नवायमान भगवान के लिए भोग निर्माण करती है। वे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो सब्जियां या जो व्यंजन राधा रानी ने एक बार बना दिया वो फिर द्वितीय बार कभी भी वो परोसा नहीं जाएगा, फिर नया कुछ। राधा रानी का विशेष सेवा है, अद्भुत अंतरंग सेवा। तो इसलिए भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि सुख और आनंद का परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक होता है जड़ानंद, इस जगत में आनंद लेना, इस भौतिक जगत में ये तुच्छ है, इससे ऊपर है वो है ब्रह्मानंद, यानी मुक्ति पाकर संसार के प्रपंच शोक ताप पंच क्लेश पंच कोश आदि से मुक्त होकर निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म साजुज्य प्राप्त होना, मुक्त हो जाना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये ब्रह्मानंद है। आनंद में सत्ता में से विराज करना, बस उसके ऊपर है भक्ति का प्रेमानंद, और उससे भी ऊपर है प्रेमानंद के ऊपर वो है सेवानंद। एक सखी राधा कृष्ण को चामर कर रही है,
तो उनको प्रेम का स्फूर्ति हुआ और वो मूर्छित होकर गिर गई। तो राधा कृष्ण चले गए कहीं और विहार करने लगे। तो उठ के बहुत क्रोधित हुई, बोले ओ प्रेम हृदय से निकल जाओ, कितने सौभाग्य के परिणाम स्वरूप मैं राधा कृष्ण जुगल मूर्ति का सेवा कर रही थी और तुमने आके सेवा विघ्न डाल दिया। तो सेवानंद इतना उच्च आनंद है, ये सेवानंद का महिमा हृदय में स्फुरित करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वे राधा रानी है। राधा रानी की कृपा के बिना सेवा करने का जो एक्चुअल मनोवृत्ति है वो कभी भी किसी भक्त के अंदर प्रकाशित नहीं हो सकता, अगर जो राधा रानी का कृपा का याचना ना करता हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि कृष्ण को सेवा करना, कृष्ण खुद बोले हैं पुराणों में कि इवन चैतन्य चैतामृत में ये मार्क करना तो कितने में है, इवन श्री चैतन्य चैतामृत में एक जगह पे भगवान कृष्ण का जो वाणी है वो कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। वो किया है कि जब कृष्ण ये रागानुग भाव प्रचार करने के लिए आ रहे, अवतरित हो रहे हैं, तो वे बोल रहे हैं कि ओनली गोपी भाव, ये राय रामानंद के साथ महाप्रभु का जो वार्तालाप हो रहा था उसमें भी उन्होंने बोला है कृष्ण को ये गोपी भाव, ये गोपी की जैसे चेतना वाला जो तन्मयता है, ये भाव कृष्ण को आकर्षित करता है। इसलिए भक्ति देवी की जननी है राधा रानी, जो श्री कृष्ण आकर्षणी है, कृष्ण को आकर्षण करने में समर्थ है। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत इत्यादि जो भक्ति का गुण प्रकट होता है उसमें श्री कृष्ण आकर्षणी ये अंतिम गुण है। ये श्री कृष्ण आकर्षणी जो गुण है ये अगर प्रकाश करने वाली दया में कोई है तो वो श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी की कृपा से ही संभव है। तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, राधाष्टमी है, हम लोग सब इस मनोभाव से राधा रानी का कृपा कटाक्ष हम लोग को मिले इसका प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत ही वृंदावन के उस ब्रज भाव में निमग्न होकर कल हम लोग सेवा करें तो भगवान कृष्ण की कृपा से राधा रानी का कृपा भी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, राधा रानी कृपा से कृष्ण कृपा प्राप्त होगा। तो कुछ कुछ लीलाएं मैं घटना राधा रानी के साथ जो कृष्ण का विहार लीला हुआ है वो मैं बोलना चाहूंगा। राधा कृष्ण का जो प्रेम का संबंध है वह विप्रलंब स्वभाव है उस प्रेम का, मान अनुराग अभिमान ये विप्रलंब भाव का स्वभाव, यहाँ पे वियोग होगा, मान होगा और अनुरागात्मिका महाभाव भी प्रकट होगा एक साथ, सब भावों का एक साथ संमिश्रण है, अब विरोधाभास भी है, आलम्बन इत्यादि ऐसा में सिंधु में इसका वर्णन किया गया है। तो मूल जो राधा रानी का स्वभाव है कि कृष्ण वियोग एकदम सहन नहीं कर सकते। तो राधा रानी एक दिन कृष्ण को बोलती है, कृष्ण तुम तो कभी मेरा जो प्रेम का जो मर्म है वो जान नहीं पाए, मेरे प्रेम का तुम ऋण कभी शोध नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण बोल रहे कि नहीं, मैं समझता हूँ राधे, राधा तुम और मैं तो एक आत्मा है, तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, हम लोग द्वैत रूप धारण करते लेकिन है तो हम लोग एक आत्मा। बोली नहीं, अगर एकात्मा तो मेरी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा भी होती, तुम तो हमेशा आनंद में रहते हो लेकिन मैं इतना पीड़ा में क्यों रहती तुम्हारे वियोग में और तुम्हारी ये बांसुरी हम लोगों के हृदय में एक व्याकुलता प्रकाश करती है और हम लोग ऐसे विरह में रहते हैं और ये विरह वेदना को और बढ़ा देती है। तो ये हमारे
गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार ये भगवान के वियोग में भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो सर्वोत्तम सर्वपवित्र कार्य सर्व मंगलजनक होता है। भगवान कृष्ण खुद भागवतम में कहे हैं, रास पंचाध्याय प्रकरण में, जब गोपियां भगवान के पास आई थी बांसुरी सुन के, तब उनको प्रवचन देने लगे भगवान, तब बोला कि तुम लोग जाओ घर में लौट के, और मेरे वियोग में ध्यान मग्न चिंता करने से जितना मैं सुलभ होता हूँ उतना मेरे संग में लगा कि तुम लोग उतना लाभ नहीं कर सकते। तो ये एक सिद्धांत है कि वियोग में भगवान को याद करते हुए जो प्रेम विकसित होता है, भगवान भी चाहते हैं एक्चुअली इनमें ये पूर्ण प्रेम विकसित हो, और भगवान चाहते हैं कि मात्रा कहाँ तक जाती है, भगवान को भी इसका पता नहीं था एक्चुअली। तो राधा रानी वो तत्व पेश करती है, वो प्रेम पेश करती है जिसका भगवान को ही पता नहीं है, तो वे भी चंबित रहते हैं कि कहाँ तक जा सकता है एक प्रेमी भक्त। तो राधा रानी उसका एकदम एक सीमा तो नहीं है, क्योंकि सीमा बढ़ती रहती है हमेशा, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो वो उसके एकदम आधार स्वरूप है राधा रानी। तो ये बांसुरी ये एकदम बहुत ही शत्रु है हमारे, तुम्हें तो वेदना नहीं मिलते, बोले नहीं राधे तुम्हारे वियोग का तड़प मुझे भी होता है। बोला अच्छा होता है, तो एक काम करो ये बांसुरी बजाना हम मुझे सिखा दो। क्यों? कृष्ण बोला पूछे क्यों, तुम्हें क्यों बांसुरी सीखना है? बोल तड़प को और हमारे ऐसा करो, हम लोग जब तड़पते तुम्हारे वियोग में तब तुम बांसुरी की नाद जो छेड़ते हो पंचम सुर में, तब ये हम लोग को व्याकुल करता है, चित्त को बहुत ही आघात देता है, तुमको देखने की तुम्हारे दर्शन पाने की ना हम लोग जैसे हमारा प्राण त्याग देंगे ऐसा परिस्थिति का अनुभूति होता है। तो वो तो तुम्हें भी होना चाहिए ना कृष्ण, तुम्हारा बांसुरी तुम मुझे सिखा दो ताकि मैं भी जब तुम ऐसे मेरे प्रति विरह कातर अवस्था में रहो तब मैं भी पंचम जुष्टम पंचम सुर में मैं बांसुरी बजाऊंगी, तब तुम्हारा ये वेदना और भी मेरे ऐसा परिपक्वता लाभ करेगा। तो कृष्ण बोले अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हाँ मैं तो सभी जीवों के अंतरात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सभी गोपियां मुझे ऐसे प्रेम करती, तुम अकेले तो प्रेम नहीं करते हो। तो इधर मान प्रणय शुरू हो गया, रानी गुस्सा हो गई, बोले अच्छा मुझसे भी अधिक तुम्हें कोई प्रेम करता है? ये संभव नहीं है, मेरे हृदय मेरे हृदय की जैसा हृदय अगर किसी का हो तुम्हें सेवा करने का तो मैं मान जाऊंगी। राधारानी बोलती कि परीक्षा हो जाए अभी। राधारानी ने क्या किया, भगवान के सामने ये और अपने सब चारों तरफ एक लकीर खींच दी गोल, और भगवान और राधा इधर अंदर में है मंडल के अंदर, और बजाओ बांसुरी देखते हैं कौन जीवात्मा ये लकीर पार करके इस तरफ हमारी तरफ आ सकती है, तब मैं मानूंगी कि वे लोग तुमको प्रेम करते हैं। तो भगवान ने बांसुरी बजाया, भगवान उनका मान बढ़ा रहे थे, ये मानगढ़ में लीला हुई थी बरसाने में। बुलाओ कौन आता है देखते हैं। तो भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सारी सखियां पागल हो जाती हैं, और बांसुरी का तान सुनती अपने शरीर को त्याग के, क्योंकि वो तो योग शक्ति पराभूता है, वो लोग तो सब शक्तियां पार कर चुके हैं, और वे लोग आत्मा स्वरूप में वहां पर उपस्थित हो गई। अरे वहां पे उपस्थिति क्या हो गई, वो लकीर को पार करके भगवान के पास आ भी गई सुन के, और राधा रानी और भी कुपित हो गई, और भी उनका मान बढ़ गया और मूर्छित होकर गिर पड़ी बहुत ही क्रोध में। तब कृष्ण बहुत व्याकुल हो गए और कृष्ण रोने लगे राधा रानी को देखकर, बोले हे राधे उठो, उनके चरणों को अपने माथे में लगाया और रो रहे हैं, देही पद पल्लव मुदारम, हे राधे तुम इतना मान मत कर, तुम तनिक देखो तो कौन है ये लोग, क्यों ये लोग ये लकीर पार करके आए, तुम ऐसे ही तुम्हारे साथ मैं मान का
लीला कर रहा था, तुम उसमें एकदम गंभीर हो गई। राधारानी का आँख, माने भगवान के आंसू से राधारानी का आँख खुला तो देखा, तो देखो जरा क्यों मैं बोलता हूँ कि हर गोपियाँ मुझे प्रेम करती तुम्हारे जैसे, देखो जरा। तो राधारानी जैसे ही आँख खोल कर देखते थे, सब राधा राधा सब लोग खड़ी हुई, सब इतनी सारी राधाएं खड़ी हुई हैं। बोले यही सब गोपियां तुम्हारे प्रेम का ही तो प्रकाश है, तुम्हारा ही तो अंतरंग शक्ति, तुम ही तो विकसित हुई, विकरित हुई हो इन गोपियों के माध्यम से, तुम भूल गई? गोलोक नंदन धाम में तुम प्रकट जब हुई थी, तुम्हारे साथ ये सब अंग कांतियां ही प्रकट हुई थी। ये लोग तो राधा रानी, इनको मैं तो राधा रूप में देखता हूँ, मैं तो राधा के बिना कुछ देखता ही नहीं हूँ। तब राधा रानी का मान शमन हुआ, राधा रानी बहुत बहुत ही प्रफुल्लित हुई और कृष्ण के चरणों में गिर गई। बोले क्षमा करना हे प्राणनाथ, आपका प्रेम और मेरा प्रेम आपके प्रति ऐसा प्रेम इस संसार में तीन जगत में कभी कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। और ये बात सत्य है, राधा रानी का प्रेम तो अति उन्नत अवस्था में कृष्ण के लिए लिए, लेकिन कृष्ण का भी प्रेम राधा रानी के लिए उतने मात्रा में ही है। हाँ, और कृष्ण ये भी जानना चाहते थे कि कृष्ण ये एक अनुभव चाहिए था, कृष्ण को ये अनुभव चाहिए था कि कैसे मेरे भक्त मेरे पीछे प्रेम परायण होकर भक्ति में ओतप्रोत तल्लीन हो जाते हैं। इसलिए वे राधा रानी का भाव अंगीकार करके, राधा रानी का ऋण शोध करने के लिए वे गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, यही भाव आश्वादन करने के लिए खुद भी, कि मैं जब देखूं तो क्यों ये सब गोपीगण इतना माधुर्य मंडित स्वभाव में आकृष्ट है मेरे प्रति। तो वे खुद ही राधा रानी का अंग कांति लेके, उनका अंतरंग भाव लेके प्रकट हुए नवद्वीप नदिया धाम में। और कृष्ण कृष्ण के पाति राधा रानी ने कहा था ना कि तुम भी चिल्लाओगे कृष्ण के कृष्ण रूप में, तुम कृष्ण रहोगे ना कृष्ण कृष्ण चिल्लाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जो प्रेम का जो वेदना वो क्या है। तो वे गौरांग महाप्रभु के नटवर रूप में आए नदिया में, महाप्रभु नाम में नदिया माताया, नदिया में कृष्ण कृष्ण पुकारते, फिर राधा रानी का वही भाव, वही अनुरागात्मिक का महाभाव प्रकट किया। और ये महाप्रभु का कृपा ही है कि राधा रानी का ये जो अंतरंग जो अनुभूतियां हैं, इसका दिग्दर्शन हम लोग को हो रहा है उनके आचार्यों की कृपा से इस गौरी परंपरा में। तो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति राधिका और उनका प्रेम शक्ति, ये सर्वोच्च शक्ति है और सर्वोच्च सौभाग्य देने वाली शक्ति है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई भी नहीं दे सकता। आज भी हमारे ब्रज में राधा रानी का महिमा तो अद्भुत है। राधा रानी का कृपा से ब्रज में एक भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहता। राधा रानी का आशीर्वाद है कि जितने भी जीव पेड़ पौधे ब्रजमंडल में हैं, वो जो अभी जो वर्तमान देह है वो त्यागने के बाद तुरंत भगवत धाम चले जाएंगे। हरी बोल। एक बार एक सियाल, एक लोमड़ी जंगल से आ रही थी, तो ब्रज के जो बच्चे लोग उसको पीछा किए, वो डर के मारे एक एक गड्ढे में घुस गई। तो लड़कों लोगों ने क्या किया, उस गड्ढे को बंद करके, वो लोग भी डरे हुए थे कि सियाल हैं, तो वो लोग लकड़ी ला के वहां पे आग लगा दी और जलने लगा वो, उसका जो मुख है, जो गड्ढे का मुंह है वो जलने लगा और उसका धुआं, उसका ताप जाने लगा, तो जलाने लगा उस सियाल को। तो इतने में सब सखियां वहां से, नित्य सिद्ध सखियां सब जा रही थी,
और उन सखियों ने क्या किया, तुरंत वो हटा के उस जली हुई लोमड़ी राधानी के पास लेके आए। बोले हे ब्रजेश्वरी, देखिए आपके ब्रज में क्या हुआ, आपके ब्रजवासी गणों ने इसके साथ, इस जीव के साथ ऐसा बर्ताव किया। तो बहुत दुखी हुई, आशीर्वाद दिया कि आज के बाद ब्रज में जितने भी स्थावर जंगम जीव उपस्थित हैं, वर्तमान देह त्यागने के बाद वो लोग नित्य सिद्ध गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे और अपने नित्य सिद्ध रूप में आ जाएंगे। कितना कृपा है देखिए। और उस लोमड़ी को उन्होंने ऐसे, राधा रानी ने हाथ फेराया उसके पीठ में, वो तुरंत एक मंजरी, एक सखी रूप में परिवर्तित हो गई, राधा रानी का सेवा में युक्त हो गई। हरी बोल, राधा रानी का इतना बड़ा महिमा है। नो मंगल आरती, हाँ, नो संन्यास, नो ब्रह्मचर्य, नो चार फोटोग्राफी प्रिंसिपल्स, कुछ भी नहीं। और सखी, सखी बन गई नित्य सिद्धा में, कि संग में आ गई। सोचिए राधा रानी का ऐसा कृपा है, ऐसा करुणा कौन कर सकता है, संसार में कोई सामर्थ्य नहीं कि ऐसा करुणा सौभाग्य किसी को दे। तो राधा कृष्ण का ऐसा जो लीला चलता रहा। और एक और लीला मैं बोलना चाहूंगा कि एकदा सभी लोग जानते हैं राधा कृष्ण का जो संबंध क्या अद्भुत है। ब्रजवासी लोग जानते हैं कि राधा कृष्ण हमारे प्राण स्वरूप है, ऐसा नहीं कि ब्रजवासी लोग नहीं जानते थे, सब लोग जानते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा मान प्रणय और भय सम्मिलित हो तो लीला में और मजा आता है। इसलिए ब्रजवासी लोग भी लीला में अंशदान कर रहे हैं। तो राधा रानी की सांस जटिला और कुटिला, और उनके पति अभिमन्यु जो कृष्ण के छाया स्वरूप थे, यायन घोष, जो सर्वजन विदित हैं राधा रानी कृष्ण के प्रति प्रेम परायण है, राधा कृष्ण का संबंध अद्भुत संबंध है। जटिला कुटिला हमेशा, जैसे कुटिला यानी ननद, ये हमेशा राधा रानी को अभिमन्यु के सामने अपमानित करती थी और उनके नाम पे कलंक लेपन करती थी। देखो गांव वाले क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी पत्नी है और ये कृष्ण के साथ बाहर मिलने जाती हैं, खेलती हैं, बार बार हमेशा हमेशा बोलती रहती है। तो राधा रानी का जो ससुराल है, सासरे, वो हैं जावट। बहुत ही अनुपम स्थान है, आज भी वे जावट वैसे का वैसा ही है जैसा था, कोकिला वन के पास है। रावल पे जन्म स्थान जावट में है उनका ससुराल। जटिला राधा रानी को बहुत प्यार करती है, सास है, लेकिन बहुत पुत्रीवत प्यार है, बहुत प्रेम है, लेकिन ये भी नहीं सहन कर सकती कि मेरी राधा को कोई कलंकित करे। लेकिन कुटिला है स्वभाव, हमेशा भड़काना अभिमन्यु की जटिला को राधा रानी के प्रति, ये देखो ये मिलने जा रही है, देखो क्या कर रही है, तो ये कलंक लेपन करती थी। एक समय राधा रानी का सतीत्व प्रणाम प्रमाण करने के लिए, एक समय राधा रानी का सतीत्व प्रमाण करने के लिए श्री कृष्ण ने उपाय किया। तो एक दिन क्या हुआ, उनको बहुत बुखार हो गया, नाटकीय बुखार, अरे मर जाएंगे, पूरे बेसुध हो गए और सबको फिट कर दिया, नंदीमुखी, मुखरा, पौर्णमासी, गार्गी। तो वे लोग, सभी लोग गर्गाचार्य के पास गए, पूछा कि क्या, कैसे ये इसका रोग निर्मूल होगा। तो गर्गाचार्य ने कहा कि देखो ये लो, ये दिव्य कलश, उसमें 100 छेद थे, बोले जो इस छेद वाले कलश से यमुना का पानी लेके आके निलाएगा भगवान कृष्ण को, तभी तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन
एक चीज सुनिए, जो महासती होगी वही ये पानी भर पाएगी। तो बस कुटिला को एक पॉइंट मिल गया, बहुत खुश हो गए कुटिला और बोले वाह अभी तो नीचे दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। तो अभिमन्यु के सामने तो सब एक एक जितने भी ब्रज नारीगण हैं, जो लोग नारायणी के बारे में सब बोलते थे, सब लोग आए, सब लोग के सामने एक कलश रखा गया, सब जमुना में पानी भर रहे हैं, पानी निकल जा रहा है, सब लोग लास्ट में कुटिला के पास आया। कुटिला तो बहुत शौक से गए कि मैं ही सच हूँ, दिखाऊंगी मैं। और जैसे ही पानी भरा, सारा पानी उसके सर पे गिर गया, नहा ली, सब सब प्रमाणित हो गया कि सती नहीं है। तो जटिला ने कहा, क्योंकि ना राधा ने राधा इसका इसको भेजो, राधा रानी को भेजो। सब लोगों ने, ब्रज की सभी गोपियों ने, यशोदा को छोड़ के सब लोगों ने एक एक बार उसका प्रयोग किया, लेकिन चेष्टा किया, लेकिन वो असफल रहे। तो जटिला बहुत मातृभाव रखती है, तो बोले क्यों राधा रानी को भेजो, वो निरपेक्ष है। तो राधा रानी बहुत लज्जित होकर, और कुटिला मन मन सोच रही है कि हाँ हम लोग सब लोग सती नहीं है, यही सती है बड़ी, हाँ बड़ी आई सती। तो वे मुस्कुरा रहे हैं कि कभी राधा रानी का पोल खुल जाएगा, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं जैसे होता है। कि राधा रानी जमुना के पास गए, कृष्ण का ध्यान कर, कृष्ण मग्नता। राधा रानी को ये दुख नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, उनको चिंता है कि कृष्ण को क्या हो गया, मेरे प्रियतम मेरे प्राण सखा को क्या हो गया। कृष्ण चिंतन करते, कृष्ण का नाम लेके राधा जमुना में पानी जैसे ही भरती है, एक बूंद भी पानी उस मटके से नहीं गिरता है। और राधा रानी को सुध भी नहीं है, होश भी नहीं है, ये पानी लेके मटका सर पर रख के, जैसे नॉर्मल मटका रखती है वैसे समझ के वो आ रही हैं। और सब लोग हतवाक हो गए, सब लोग भौचक के रह गए, अरे ये महासती हैं। तो भगवान कृष्ण इनका सतीत्व प्रमाण करने के लिए ये लीला की है, तो वो लेके आई, माता यशोदा को दिया, माता यशोदा ने स्नान करवा दिया, कृष्ण ठीक हो गए। और सबके सामने कहा, देखो श्री राधा रानी, यशोदा माता ने बहुत आशीर्वाद दिया कि श्री राधिका एकमात्र इस पूरे ब्रज में एकमात्र सती है, हाँ क्योंकि ये अलौकिक कार्य और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे राधा का गुण महिमा भगवान कृष्ण खुद प्रकाशित करते हैं हमेशा हर युगों में, इसलिए वो खुद आए महाप्रभु के रूप में और राधा रानी का महिमा प्रकाशित किया, उनके भाव को लोगों के सामने प्रस्तावित किया कि कितना उन्नत श्रेष्ठ भजन प्रणाली है, इससे श्रेष्ठ भजन प्रणाली और कोई है ही नहीं, ना सिद्ध ना योगी ना कर्मी ना ज्ञानी, कुछ भी नहीं है, सब फेल है। इस कृष्ण प्रेम के आगे सब चीज उसका कोई मूल्य ही नहीं, मूल्यहीन है। तो ऐसा राधा कृष्ण का अद्भुत लीला और हम लोग कल सुनेंगे। कल मैं गोपाल चंपू से राधा कृष्ण का दिव्य लीला, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि राधा रानी का आखिर क्या हुआ, बहुत लोग वो रासलीला तक राधा रानी के बारे में जानते हैं, उसके बाद नहीं जानते उनके बाद क्या हुआ, कैसे भगवत धाम गई। तो वो जब जो लीलाएं हैं और उनका असली स्वरूप जो क्या था, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है, और इसी पुराण के आधार पर आचार्यों ने ये गोपाल चंपू की रचना की थी। तो उसमें से मैं कल कुछ राधा कृष्ण का दिव्य लीला, राधा रानी का जो असली स्वरूप और असली रूप में राधा रानी के साथ ही भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था और संबंध था, वो कल हम लोग और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री राधा रानी की जय।